हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्टाइलिंग रिव्यूज़। आज मैं आप लोगों के साथ बालकनी मेकओवर का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी लिविंग रूम की बालकनी है, यहाँ पे मैं कुछ कुछ चेंजेस करके आज इस बालकनी को एक न्यू लुक देने वाली हूँ। ये जो बालकनी अब आप देख रहे हैं, ये मेरी बालकनी का ओल्ड लुक है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। वन साइड मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल रनर लगा के रखा हुआ है। सामने की वॉल इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी खाली है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर एड ऑन करूँगी, जिसकी वजह से ये बालकनी एंड में काफी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मे बी आपको भी अगर अपनी बालकनी का मेकओवर करना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट मैंने अपने इस वॉल को अच्छे से क्लीन कर लिया, जितने भी इसके ऊपर डस्ट और जो भी गंदगी थी उसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक वॉल स्टिकर लगाने वाली हूँ। इसके बाद मैंने फ्लोर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया वाटर देकर के, जो भी गंदगी थी मैंने सब हटा दी है और सारी चीज़ें यहाँ से शिफ्ट कर दी है। प्लेस खाली रहेगा तो उसे डेकोरेट करना ईजी रहता है। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आपको मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट जो सामने की वॉल थी, इस पर मैंने ये ब्यूटीफुल सा वॉल स्टिकर लगाया हुआ है। इसमें आपको एक लॉन्ग लैंटेन मिलती है, साथ में एक साइड में क्लॉक एंड बहुत सारी आपको बटरफ्लाइज मिलती है। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है डिटेल में, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशियल फेंस का यूज़ किया है। ये एक्सपेंड होकर के काफ़ी अच्छी हाइट में आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एक्सपेंड किया, कितने अच्छे से ये आप इसे जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं आप इसे कवर कर सकते हैं फुल। तो मैं इसे अपने रेलिंग के पूरे बैक साइड में लगा रही हूँ, जिससे कि एक बिल्कुल फ्रेश आपको लुक भी मिलेगा और ये एक्सपेंड होकर के पूरे मेरे इस रेलिंग को कवर कर रहा है अच्छे से। इसे अच्छे से टाइट करने के लिए और इसे अच्छे से वहाँ पर फिक्स करने के लिए मैंने केबल टाई का यूज़ किया है। केबल टाई से मैं इसे बीच बीच में अच्छे से टाइट कर दूंगी, तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं होगा और लगने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने इसे इतना एक्सपेंड करके अपने पूरे इस सामने वाले रेलिंग को अच्छे से पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं प्लांट को अरेंज करूँगी। प्लांट्स को सेट करने के लिए मैंने मेटल के प्लांटर स्टैंड लिए हैं, ये वाइट कलर में है। इसे लगाने के बाद बालकनी का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। प्लस इससे एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो क्लीनिंग की प्रोसेस है, जब प्लांट्स हम इस तरह के हैवी हैवी पॉट्स रखते हैं तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है, बट इस तरह के प्लांटर स्टैंड को रखने के बाद क्लीनिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। टोटल 4 मैंने ये सेट में लिया है। इसे मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी, इसके ऊपर अपने जितने भी पॉट्स हैं इसे मैं वहाँ पर सेट कर लूँगी। तो लगने के बाद काफ़ी डिफरेंट एंड एलिगेंट आपको ये लुक प्रोवाइड करेगा। अगर आपके बड़े बड़े पॉट्स हैं तो सिंगल सिंगल प्लांटर स्टैंड में आपको 2 पॉट्स आएंगे। अगर आपका स्मॉल स्मॉल है तो आपको 3 आ जाएंगे प्लांटर स्टैंड में। तो आप अपने प्लांटर के शेप के अकॉर्डिंग आप उसे अरेंज कर सकते हैं। सेट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। बहुत ही ईजिली सारे प्लांट्स मेरे अच्छे से इस प्लांटर स्टैंड में आ गए हैं। प्लस ये हाइट पे है तो काफ़ी अच्छे लुक भी लग रहे हैं। तो आप भी इस तरह के प्लांटर स्टैंड को लेके अपने बालकनी में आप चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लाइट्स को ऐड करूँगी। लाइट के लिए मैंने ये सोलर लाइट यूज़ किया है। ये आपको इस तरह से राउंड शेप में इसकी पूरी लाइट्स मिल जाती है, प्लस इसमें ये आपको सोलर पैनल मिलता है। सन यहाँ पे अच्छी आती है तो ये अच्छे से चार्ज होने के बाद नाइट में बहुत ही अच्छे से जल जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इसे मैं जो सामने की फेंस है उस पर मैं अच्छे से सेट करते हुए इसे मैं वहाँ पर पूरा सेट कर लूँगी और इसके सोलर पैनल को इसके किसी भी पॉट में मैं अच्छे से यहाँ पर स्टिक कर लूँगी। तो आपका ये बहुत ही ईजिली है, प्लस बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसमें आपको कोई भी पावर की नहीं ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिक अपना सोलर से चार्ज होने के बाद इन द नाइट टाइम में ये अपने आप ऑन हो जाएगा और फिर जैसे इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। तो इसमें आपको इस तरह से मेटल के जो पूरे
स्मॉल स्मॉल से राउंड शेप में आपको इसकी पूरी लाइट का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल लगता है इन द नाइट टाइम में। सेट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सन आ गई है, तो अभी अच्छे से चार्ज होने के बाद नाइट में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। साथ में ही मैंने एक सोलर लैम्प भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसे भी मैंने अपने एक पॉट में अच्छे से स्टिक कर लिया है। इसमें भी यहाँ पे आपको सोलर पैनल मिल जाता है, ये भी अच्छे से चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक नाइट में ऑन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं ये एक आर्टिफिशियल रनर यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। मैंने इस बालकनी में फुल आर्टिफिशियल ग्रास नहीं लगाया है एज ए मैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉट से वाटर थोड़ा बहुत निकलता है उसकी वजह से ये ग्रास थोड़ी सी वेट हो जाती है, तो मैंने उस साइड नहीं लगाते हुए मैंने जितना इसके हाफ में पोर्शन था मैंने वहाँ पर सिर्फ ये रनर लगाया है। ये स्टाइल ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप इसे आराम से यहाँ पर आके बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया भी आपका ये बन जाएगा, प्लस देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक लगता है। तो कुछ इस तरह से मैं इसे यहां पे रनर एज ए रनर मैं सेट कर दूंगी। तो चलिए इस बालकनी को थोड़ा और डेकोरेट कर लेते हैं। साइड की वॉल पे मैं ये फ्लावर पेंटिंग लगा रही हूँ, स्मॉल सी ये फ्लावर पेंटिंग है बट देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है। इसके बाद मैं ये ग्लास जार जिसके अंदर एलईडी लाइट और कुछ पॉम पॉम दिए गए हैं इसे मैं इस तरह से ऊपर हैंग कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं ये आर्टिफिशियल बटरफ्लाई का यूज़ करने वाली हूँ, इसे भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया। इसे आपको जस्ट लेकर के हर एक पॉट में स्टिक कर देना है, तो ये देखने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगता है और बहुत ही डिफरेंट लुक आपकी बालकनी में प्रोवाइड करेगा। अभी बालकनी का मेकओवर कंप्लीट हो चुका है। कॉर्नर में मैंने गैस सिलेंडर रखा है, इसके ऊपर मैंने गैस कवर लगा दिया है और साथ में ये मैंने चेयर यहाँ पे अरेंज कर दी है। इस चेयर पे बैठ करके मैं आराम से सन भी ले सकती हूँ क्योंकि इस बालकनी में अच्छे से सन आती है। प्लस ये चेयर मैंने अमेज़ॉन से लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एंड डिफरेंट सी ये चेयर है। नेक्स्ट मैंने हैंगिंग बर्ड नेस्ट यहाँ पे लगाया है, ये सेट ऑफ टू में मीशो से मैंने परचेज़ किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्यूट से ये बर्ड नेस्ट है, इसमें आपको 3 बर्ड हैंगिंग एंड 2 बर्ड्स आपको इसके नेस्ट में आपको दिखेगी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा और डिफरेंट सा ये लुक आपकी बालकनी में प्रोवाइड करेगा। इसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपके साथ नाइट व्यू भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्मॉल लैंटर्न रखा है, इसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल LED लाइट का यूज़ किया है। सामने की जो रेलिंग आपको दिख रही है इस पर भी मैंने सेम आर्टिफिशियल फेंस का यूज़ किया है। इसके बाद ये जो सोलर लैंटर्न है ये अभी नहीं ऑन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लाइट है, इसकी वजह से ये नहीं ऑन हो रहा है। जैसे इसे डार्क मिलेगा ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने एक सोलर लाइट और मैंने ऐड किया तो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। साथ में मैंने इस बालकनी को और इन्हेंस करने के लिए स्टार लाइट का भी यूज़ किया है। ये जो सोलर लाइट है ये अच्छे से चार्ज होने का बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है और आराम से 4 to 5 आवर्स के लिए ऑन रहता है। यहाँ पे जो मैंने चेयर लगाई है ये चेयर भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया, इसका डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है। बहुत ही अच्छी आउटडोर चेयर है, आप इसे कहीं पर भी इजीली ला के बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल चेयर है। इसे मैंने अपने एज ए रनर पे जो मैंने लगाया था उसके ऊपर रखा है। इसके बाद इस ओवरऑल बालकनी का लुक काफ़ी चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको स्टार लाइट, सामने मल्टी कलर लाइट, प्लस जो ये स्मॉल स्मॉल सी सोलर लाइट, सारी चीज़ें ऑन होने के बाद बालकनी का लुक काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा चैनल और भी लोगों तक पहुँचेगा, मेरे वीडियोस और भी लोगों तक पहुँचेंगे। तो डेफिनेटली मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।